घर बूटी आटा चक्की, मतलब घर में यूज होने वाली आटा चक्की, इसको बहुत सारे लोग घर घंटी भी बोलते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को आज मैं डिटेल बताऊंगा। देखो, सबसे अच्छी चीज़ होती है कि घर में जो आटा चक्की हम यूज करते हैं उसमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आप चाहे गेहूँ, चना, उसके बाद आपका ज्वारी, बाजरा, जो भी कुछ पीसना चाहते हैं वो उसका आपको आटा जो मिलता है वो एकदम फ्रेश मिलता है। क्योंकि हम अगर समझो कोई गेहूँ या चीज़ें खरीद के बाहर ले जाते हैं दूसरे आटा चक्की में, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके पहले ज्वारी या उसके पहले कोई दूसरी चीज़ पीसी रहती है और उसी में डाल देते हैं तो वो मिक्स हो जाता है, तो उसके अंदर जो टेस्ट होना चाहिए, जो क्वालिटी होना चाहिए, वो नहीं रहता। तो आज हम बात कर रहे हैं घर में आटा चक्की कैसे यूज करना चाहिए और कौन सी कंपनी का आटा चक्की यूज करना चाहिए। तो ये हमारे पास में है नटराज स्टॉल, ये नटराज कंपनी का आटा चक्की है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज डिटेल बताऊंगा। सबसे पहली बात, आप इसको अनबॉक्स करने के बाद आपको ये जो चैम्बर रहता है ये बाहर रहता है, ये चैम्बर को यहाँ पे सेट करना पड़ता है। उसके बाद देखिए इसका जो बाहर का लुक है, सबसे खास चीज़ नटराज में आपको जो बाहर का लुक है वो फिनिशिंग ऐसा दिया हुआ है कि घर पे कहीं पे भी रख के आप इसको सेट कर सकते हैं, जिससे दिखने में भी अच्छा लगता है, अनकम्फर्टेबल नहीं लगता। दूसरी चीज़ है ये जो कवर है, यहाँ पे आपको कैसे यूज करना है उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है और कौन सा ब्लेड कहाँ पे लगता है। आटा चक्की ये जो रहता है ये वैक्यूम क्लीनर का अटैचमेंट है, ये हमारा चैम्बर है जहाँ पे हम मटेरियल डालते हैं। ये इसके साथ में आपको अलग अलग टाइप के 7 ब्लेड रहते हैं, ये ब्लेड के बारे में डिटेल यहाँ पे आपको दिया हुआ है कौन सा ब्लेड कैसे लगता है। उसके बाद आता है आपका ये रहता है एयर कूल के लिए, यहाँ से मोटर जो है हवा सक्शन करता है और कूल होता है। ये रहता है आपका सक्शन, यहाँ पे आप वैक्यूम क्लीनर लगा सकते हैं। और ये रहता है ब्लोअर, अगर आपको ब्लोइंग करना है तो इधर पाइप और लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बैग रहता है डस्ट बैग, वो लगा सकते हैं। ये देखिए लुक कितना अच्छा है। उसके बाद आता है आपका, इसके अंदर अपन देखेंगे क्या क्या रहता है। ये खुलने के बाद ये हम खोलते हैं, ये इसका अंदर का चेम्बर रहता है, ये चेम्बर, यहाँ पे ब्लेड लगते हैं, ये इसका ग्राइंडर है, ये कटर है। सबसे खास चीज आटा चक्की में क्या रहती है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसको चाइल्ड लॉक बोलते हैं। अगर समझो किसी बच्चे ने इसका गेट खोल दिया तो आटा चक्की ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये आपका रहता है, इसके अंदर आपका आटा जमा होता है, इसको आप क्लीन करने के लिए ऐसे खोल करके क्लीन कर सकते हैं और लगाते समय भी सेम ऐसी पोजीशन रहती है। अभी इसको लगाना कैसे है, तो लगाते समय सेम ये जो है अच्छे से बिठाने का, इनको लॉक कर देने का, वापस इसको ऐसे लगाने का, यहाँ पे सेट हो जाता है, ये सेट हो गया और ये लॉक हो गया। अब आती है बात कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको कोई चीज़ अगर बारीक करना है जैसे चावल की किमकी वगैरह बनाना है तो आप 00 के ब्लेड लगा सकते हैं, बारीक गेहूँ, किमकी, चावल पाउडर, हल्दी, मसाले वगैरह भी ताज़े इसमें आप बना सकते हैं। अगर आपको बारीक चपाती वगैरह के लिए चाहिए जैसे गेहूँ, ज्वारी, बाजरा, बेसन, हल्दी, मक्का, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे खास चीज़ नटराज आटा चक्की में क्या है कि बाजरा और ज्वारी बाकी आटा चक्कियों में नहीं होता, तो यहाँ पे अलग से एक मोड़ दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं वेट मोड़। तो रेगुलर हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन जब भी हमको बाजरा या ज्वारी करना है तो ये बटन दबाने का तो मोटर लोड ज़्यादा लेता है। दूसरी चीज़ इसमें सबसे खास चीज़ जो है कि मसाले वगैरह भी सब आप अच्छे तरह से कर सकते हैं। नटराज आटा चक्की ही क्यों लेना चाहिए इसके बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये जो कंपनी है, सबसे खास चीज़ है ये मेड इन इंडिया है। इसका गुजरात में बड़ोदरा, गुजरात में अहमदाबाद में इसका मैन्युफैक्चर यूनिट है। और सबसे खास चीज़ है कि ये हर प्रोडक्ट, इसके अंदर जितने भी सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, सारी चीज़ें खुद बनाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने आर्डनरी नटराज का कंपनी विजिट किया हुआ है, वहाँ पर इनका सिस्टम देखा हुआ है, ये जो प्लाईवुड वगैरह भी ये लगाते हैं, ये इनके पास सारी मशीनें ऑटोमेटिक मशीनें हैं और इसके कारण इसका क्वालिटी और फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छा है। और सबसे खास चीज़ है कि ये कंपनी कम से कम 30 से 40 साल से इसी लाइन में काम कर रही थी, इनके हर जगह में
सर्विस सेंटर वगैरह है जिससे कभी भी आपको सर्विस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आता। दूसरे कंपनियों का क्या होता है कि नई नई कंपनियां आती हैं, आप लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, समझो किसी ने खरीद लिया और बाद में कुछ प्रॉब्लम आया तो उसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो एक दो साल में मार्केट में माल बेचते हैं और बाद में बंद कर देते हैं। इसलिए ये कंपनी आपको बेहतर प्रोडक्ट देती है, बेहतर क्वालिटी और बेहतर डिजाइन, जिससे कि आप हेल्दी खाना खा सकते हैं। अभी देखिए, नॉर्मल जो हम कॉमर्शियल आटा चक्की में आटा पीसते हैं उसमें होता क्या है कि गेहूं जो होता है वो घिसा जाता है, जिसके कारण गेहूं में 40% मैदा हो जाता है और मैदे से आदमी को बहुत सारी तकलीफें होती, पचने में तकलीफ होती है, यूज करने में तकलीफ होती है। और ये आटा चक्की में क्या होता है कि जो गेहूं या चावल या जो भी चीज़ पीसते हैं वो मैदा नहीं होता, उसके टुकड़े होते हैं और छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े होने के कारण वो पानी ज़्यादा सोखता है, जो आपको पचने के लिए हेल्दी रहता है और आपके पाचन क्रिया को अच्छा रखता है, जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहता है। रही बात अभी आफ्टर सेल सर्विस, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नटराज आटा चक्की की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि इसमें आपको पहली बात तो कंप्लेन ही नहीं आता, दूसरी बात इसका कंपनी आपको 2 साल पूरा मशीन का, 5 साल मोटर का और ग्राइंडर का लाइफ टाइम वारंटी देती है, जिससे आपको इसमें प्रॉब्लम आता भी नहीं है। और दूसरी सेल सर्विस बहुत अच्छी है, इसलिए आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ना आटा चक्की लेना चाहते हैं तो आप देखिए बहुत सारी, लेकिन क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विस और उसकी जो फिनिशिंग और इसके जो व्हील वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे क्वालिटी से बनाया हुआ है, जिससे आपके लाइफ में कभी भी आप 10 साल 15 साल तक आप इसको यूज करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। अब रही बात इसमें कलर की, तो इसमें कम से कम 15 मॉडल अलग अलग आते हैं, जैसे आपके घर का फर्नीचर हो उस हिसाब से अलग अलग मॉडल में कलर्स आते हैं। रेगुलर क्लीनिंग के लिए वीजी है, लेकिन इसमें पावर क्लीनिंग वैक्यूम क्लीनर भी दिया हुआ है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो एक बार आप आटा चक्की खरीदने से पहले आप नटराज जरूर देखिए। थैंक यू।